हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसी चैप्टर की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, क्या है टॉपिक हमारा, मेजरिंग एंगल्स। पिछले वीडियोस में हमने देखिए एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, इनके सबके बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ा। इवन हमने राइट एंगल टेस्टर भी एक बनाया था। राइट एंगल टेस्टर की हेल्प से हम इन एंगल्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं कि राइट एंगल टेस्टर से आइडेंटिफाई करने के बाद जो एंगल आ रहे हैं, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, इनका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। सो इनका मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है एक प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर एक सिंपल डिवाइस है जिसको हमने जो है अभी जैसे हमने राइट एंगल टेस्टर बनाया था, इस तरीके से हम एक इसी तरीके का सिंपल प्रोटेक्टर घर में बना के देखते हैं कि हम उससे क्या-क्या एंगल मेजर कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से राइट एंगल टेस्टर बनाया था वो आपको पता है क्या था। अब आप इसी तरीके से क्या करिए कि एक बैंगल लीजिए और बैंगल रख करके एक पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, अब इस पेपर को कट करके निकाल लीजिए। कट कर लिया आपने, ये वाला पेपर है, इसको बीच से फोल्ड कीजिए, बीच से फोल्ड कीजिए और अगेन फिर यहाँ से इस बीच से यहाँ पर सेंटर से फोल्ड कीजिए इस साइड में। अब आपको ये राइट एंगल टेस्टर जो आपने पहले बनाया था उसी के तरीके का एक शेप मिल गया। सो यहाँ पर हमारा क्या है, राइट एंगल है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये क्या मिला, एक राइट एंगल मिला। और ये जो शेप है, ये शेप भी एक प्रोटेक्टर की है। अब इस राइट एंगल के मिडल में अगर इसको यहां से एक बार और फोल्ड कर दें तो ये मिडल में जो एंगल हमारा आएगा वो राइट एंगल का जस्ट हाफ होगा। राइट एंगल हमारा कितना होता था, 90 डिग्री होता था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब जब आप इसको फिर से अगेन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दो मार्क्स मिल जाएंगे लाइनिंग के, एक ये 45 डिग्री का, एक 90 डिग्री का था ही, और तीसरा कितना हो जाएगा, 90 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। इसी तरीके से फर्दर और एक फोल्ड करेंगे तो 45 का भी हाफ आप कर सकते हैं, 22.5 डिग्री। ओके, और ये टोटल हमारा कितना है, टोटल एक स्ट्रेट एंगल है, सो ये कितना है टोटल, 180 डिग्री। तो ये एक प्रोटेक्टर टाइप की डिवाइस है और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरीके का प्रोटेक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में ये आपके पास है। अब इस प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोटेक्टर को पहले समझते हैं कि ये प्रोटेक्टर क्या है, इसमें जो बहुत सारी नंबरिंग दी हुई है वो क्या है, उनको कैसे समझा जाता है, इसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखिए, एंगल आपको पता है कि दो लाइन सेगमेंट कहीं भी जहां पर आकर के ज्वाइंट होते हैं वहां एंगल बनता है। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम 180 डिग्री, यहां पर क्या है कि 180 डिग्री तक के एंगल इस पे शो किए जाते हैं। अब इसको मेजर कैसे करना है, सबसे पहले प्रोटेक्टर को समझते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है M, ये इसका समझ लीजिए मिडिल पॉइंट है, और इसके जो कर्व वाला पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है, वहां पर बहुत सारी नंबरिंग दी हुई है। होता क्या है, आपको पता है कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल एक फुल रेवोल्यूशन होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, टोटल हमारा 360 डिग्री होता है। ओके, अगर हम इसको 90 डिग्री बोले एक राइट एंगल को, तो टोटल कितने इसमें राइट एंगल होते हैं, 4, और ये टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना है हमारा, 360 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं। ओके, अब इसका हाफ रेवोल्यूशन अगर कर दें, हाफ रेवोल्यूशन कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इस प्रोटेक्टर पे जो आपके ये छोटे छोटे से मार्किंग बनी हुई हैं, ये क्या है, देखिए अगर इधर से जीरो से पढ़ना शुरू कीजिए, ये जीरो है, ये 10 है। अब इसी लाइन को एक्सटेंड करते चले जाइए, मींस ये 10 है और ये जीरो है, तो इसके बीच में टोटल 10 सेगमेंट्स हैं, और एक सेगमेंट कितने डिग्री के बराबर है, वन सेगमेंट इज 1 डिग्री। तो टोटल हमारे प्रोटेक्टर में टोटल कितने सेगमेंट हैं,
प्रोटेक्टर में टोटल हमारे 180 सेगमेंट हैं, इसीलिए प्रोटेक्टर हमारा कितना मेजरमेंट कर रहा है, 180 डिग्री का मेजरमेंट कर रहा है। अब ये कुछ नंबर्स डबल लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हुए हैं, जैसे अगर आप इस साइड से मेजर करना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये अंदर वाली रीडिंग को पढ़ेंगे, 0, 10, 20, 40, ओके, और अगर इस साइड से मेजर करना शुरू करेंगे तो ये बाहर वाली रीडिंग को पढ़ेंगे, 0, 10, 20, ओके। इसलिए ये दोनों साइड से मेजरमेंट करने में यूज होता है, इसी वजह से दोनों नंबरिंग लिखी हुई हैं। अभी जब आप इससे मेजर करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तब आपको काफी कुछ क्लियरिटी होगी। अब सपोज ये एक एंगल बना हुआ है, दो लाइन सेगमेंट हैं बी सी एंड बी ए, इसका एंगल मेजर करना है आपको। इसका एंगल मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रोटेक्टर को में जो ये एम एम वाला मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट को जिस एंगल जिस कॉर्नर का एंगल मेजर करना है, हमें बी का मेजर करना है तो M को इससे मैच कराना पड़ेगा, इसके ऊपर लाके प्रोटेक्टर रखेंगे और इस पॉइंट को M के पॉइंट से मैच कराएंगे। अब जो ये लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट कोई भी, ये वाला जैसे लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को इस M के साथ जो लाइन जा रही है, ये M के साथ यहां वाला समझते हैं, ये M पॉइंट है और M के साथ ये जो लाइन जा रही है जीरो की तरफ, इस लाइन से मैच कराना है। सबसे पहले ये पॉइंट मैच कराना है, फिर ये लाइन मैच करानी है। ये लाइन जो आपकी है इस लाइन के जस्ट ऊपर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को देखेंगे कि ये प्रोटेक्टर में कहां पे आ रही है। जैसे यहां पे शो किया हुआ है, इसने ये लाइन मैच कराई हुई है बुक में, ये लाइन जब मैच करा दी इसके साथ में, तब देखा कि ये ऊपर वाली लाइन कहां पे आ रही है, जहां पर भी आ रही है उस मेजरमेंट को हम नोट करेंगे। अब हम इस साइड से मेजरमेंट नोट कर रहे हैं तो हम ये अंदर वाली रीडिंग लेंगे, तो अभी हम देखेंगे यहां क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 40 वाली लाइन से एग्जैक्टली ये लाइन मैच हो रही, तो हमारा इसके बीच का एंगल कितना है, 40 डिग्री, ओके। इसी तरीके से कोई भी लाइन सेगमेंट के हमारे जो है बीच के एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट करेंगे, तब हम ये एंगल मेजरमेंट के बारे में और ज्यादा जानेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।